देखिए भाई साहब, आपके सर पर चोट लगी है लेकिन खून नहीं निकला है। ऐसे केसेस में कई बार हेड इंजरी जो होती है उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, क्लॉट बन जाता है, तो क्या आपके जान के लिए खतरा हो सकता है? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। वो क्या हुआ, रात भर जागकर मैं एक प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा था तो नींद कम मिलने की वजह से ऐसे थोड़ा ब्लैकआउट आ गया। बाकी क्या नींद पूरी नहीं हुई है? अब तो आपको बिल्कुल गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और मैं चलाने भी नहीं दूंगा। लेकिन सर, सर पर चोट लगने के बाद कई बार व्यक्ति को लगता है कि वो ठीक है लेकिन ऐसा नहीं होता है, उन्हें एक दो घंटा ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। अरे नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है सर, ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ मैं। सर पर चोट लगने के बाद कई लोग हमेशा के लिए लेट हो जाते हैं और उनके नाम के आगे भी लेट लग जाता है। आपको कहीं उल्टी जैसा तो नहीं लग रहा ना? क्योंकि सर पर चोट लगने के बाद अगर उल्टी जैसा लग रहा है तो ये सही साइन नहीं है। मुझे बिल्कुल उल्टी जैसा नहीं लग रहा है, प्लीज आप समझिए, मुझे जाने दीजिए, प्लीज प्लीज। नो, पुलिस की गाड़ी से टक्कर हुई है आपकी, एक दो घंटे में अगर भगवान से मीटिंग हो गई ना आपकी तो लोग हमें ही दोष देंगे। मैं सस्पेंड हो सकता हूँ और पुलिस लोगों की मदद के लिए होती है। आपको हॉस्पिटल चलना ही होगा, आपका MRI होगा, रिपोर्ट आने के बाद ही आपको कहीं जाने दूंगा मैं। हे भगवान, मैं क्या करूँ, ये किस मुसीबत में फंस गया। अगर ये मुझे अस्पताल ले गए ना तो मिस्टर चोकसी के ऑफिस में नहीं पहुंच पाऊंगा और ना ही प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा। भाई साहब, ओ भाई साहब, क्या सोच रहे हैं आप? चलिए मैं आपको अस्पताल लेके चलता हूँ। प्रकाश, इनकी गाड़ी पुलिस स्टेशन लेके आओ। आइए आइए सर, आइए आइए आइए। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ, आइए। ज्योति भाभी, अर्शद भाई, मुझे लग रहा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। I mean, बचपन के दोस्त हैं दोनों, कब तक नाराज रहेंगे एक दूसरे से? आप बिल्कुल सही कह रहे हो वंदना भाभी, मतलब इतनी पक्की दोस्ती है, दो चार दिन में अपने आप बात करने लगेंगे ना। लेकिन एम्यूजमेंट पार्क की टिकट का तो नुकसान हो गया ना, वरना अभी दोनों झूले पे बैठ के झूला झूल रहे होते। ओह नो, क्या मम्मा, मेरे न्यूज पोर्टल से न्यूज आई है, अथर और विद्युत जिस अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले थे ना, वहाँ का एक झूला टूट गया और बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। भगवान, हाँ क्या? हाँ राज, थैंक गॉड कि अथर्व विद्युत उस अम्यूजमेंट पार्क में नहीं गए, वरना जिन बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है उनमें वो दोनों भी हो सकते थे। अरे बंधु, हमारे बच्चे बाल बाल बचे, वरना बहुत बड़े हादसे का शिकार हो जाते। सीरियसली देखा तुमने, जो होता है अच्छे के लिए होता है राज। अच्छा हुआ कि उन दोनों में झगड़ा हुआ, अच्छा हुआ कि वो दोनों एक दूसरे से रूठ गए, अच्छा हुआ कि सखी की टिकट अरेंज करने के बावजूद दोनों बच्चे अम्यूजमेंट पार्क नहीं गए। ओह गॉड, थैंक गॉड राज, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हेंस प्रूवन, भले ही उस वक्त हमें उनका झगड़ा गलत लग रहा था। एक्सक्यूज मी, ये मिस्टर राजेश वागले को चेक कर लिया था मैंने, ही इज परफेक्टली ऑल राइट, MRI भी हो गया, ये रिपोर्ट थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ ठीक है। तुम कहाँ हो? मैं मधु, यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ। क्यों, क्या हुआ, तुम हॉस्पिटल में क्यों, सब ठीक है ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी। अरे ठीक हो तो हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो राज? अगर हॉस्पिटल में तो कुछ गड़बड़ होगी ना, तुम्हें तो क्लाइंट के पास होना था ना, वो प्रेजेंटेशन देनी थी, तुम हॉस्पिटल में क्यों हो? अरे वंदु मेरी बात, एक मिनट, मैं तुम्हें पहले से बताता हूँ। देखो सुनो, क्या हुआ, नथिंग टू वरी, अब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कियारा मैम के सामने कैसे जाऊंगा, वो मिस्टर चोकसी तो बस मेरे नाम से नफरत करने लगे होंगे। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, हाँ, जस्ट काम डाउन, रिलैक्स। अभी प्रूव हुआ है ना हमारे सामने कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो तुम अपने मन से भी यही कहो कि राज जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, यही ना? कमाल कर रहे हो तुम, तो ये क्लाइंट गया हाथ से, ऊपर से कियारा मैम के सामने मेरी रेपुटेशन के 12 बज गए।
चलो मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। मिस्टर राजेश वागले, आपकी MRI की रिपोर्ट नॉर्मल है, आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू। देखा देखा आपने इंस्पेक्टर साहब, मैं कह रहा था आपसे मुझे कुछ नहीं हुआ, आप मानने को तैयार नहीं है। दो घंटे आपने मुझे यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखा, MRI करवाया, क्लाइंट चला गया मेरे हाथ से। मिस्टर वागले, मैंने जो किया वो मेरी ड्यूटी है। अब आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप जा सकते हैं। थैंक यू। लेकिन काउंटर से रिपोर्ट लेकर ही जाइएगा। जी जी ठीक है जी। थैंक यू। मैडम राजेश वागले मेरी सर, रुकिए मैं बुलाती हूँ आपको। मैडम बहुत जल्दी, प्लीज दो मिनट वेट करो सर। हाँ लेट हो रहा है मुझे मैडम। सर प्लीज दो मिनट बस। भाई साहब बोला था ना रिसेप्शन से रिपोर्ट लेकर ही जाइएगा। प्यास लगी थी ना तो पानी पीने जा रहा था। उसका बेटा आपका पति हमेशा झगड़ते ही रहते हैं। अब कितना सोच रही हो, कल अथर्व का पहला दिन है ना कॉलेज का, उसने वो लिस्ट दी थी, उसका क्या हुआ? लिस्ट दी थी ना, मैंने यहीं रखी थी, नहीं यहाँ रखी थी, नहीं कहाँ रखी थी। इतना मेलोड्रामा कर रही हो, काम डाउन। कैसे काम डाउन करूं सखी, मुझे ना टेंशन हो रही है, ऐसे अंदर से ना मन में दुख ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली, कुछ गलत होने वाला और कुछ गलत हो गया तो। मामा प्लीज काम डाउन, रिलैक्स। जल्दी आ ब्रो, जल्दी आ। ओ तेरा तो आज बर्थडे भी नहीं है, इतने सारे गिफ्ट क्यों आए? ब्रो कॉलेज के फर्स्ट डे का माहौल है, पता है मेरे पापा ने ना मेरे रिलेटिव्स को 1 महीने पहले से बोल के रखा था, कल से इतने सारे गिफ्ट आ रहे हैं कि तू पूछ मत। ओ अरे वाह, ये तो हैंडमेड है। हाँ अरे ये देख एक और गिफ्ट। ब्रो तेरे को पता है मेरा ना सबसे कूलेस्ट गिफ्ट क्या है? ये देख, ये वाह कूल। ब्रो ये सनग्लासेस ना मेरे दिल्ली वाले मामा ने भेजी है, और ये देख ये साइकिल ना मेरे ऑस्ट्रेलिया वाले मामा ने वहां से भेजी है, जल्दी आएगी और दोनों मिलकर चलाएंगे। वाह तेरे घर पे तो कॉलेज का फर्स्ट डे एकदम फेस्टिवल की तरह मनाया जा रहा है, और मेरे घर पे सरप्राइज छोड़, मैंने 1 हफ्ते पहले ना उन्हें एक लिस्ट दी थी, उसमें से एक भी चीज उन्होंने अभी तक खरीदी नहीं होगी, आई बेट यू। अरे ब्रो तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। अरे ऐसा नहीं होता ब्रो, देख कॉलेज की फर्स्ट दिन जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वही लास्ट इंप्रेशन होता है, और वो फर्स्ट इंप्रेशन पुरानी चीजों से नहीं होती है, नई चीजें चाहिए होती है। अरे भाई तू ना मेरी जैकेट पहन लेना, मेरे पास ऐसे भी 3 पड़ी है। अरे नहीं ब्रो, जो घर वाले देते है ना वो अपना होता है, उसका मजा ही कुछ और है। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो 24,000 के जूते दे दे तो भी बहुत है। ब्रो तू नेगेटिव मत सोच, क्या पता तू यहाँ पर मुझसे बात कर रहा है और घर पे तेरे गिफ्ट का इंतजाम हो रहा हो। तो बच्चों जो दिन हम कभी नहीं भूल सकते वो अब अथर्वा की दुनिया में आ ही गया। हम में से कोई भी हमारे कॉलेज का पहला मनहूस दिन भूल ही नहीं सकता। ओ, कॉलेज के पहला दिन, पहला लेक्चर, पूरी क्लास ने मेरी आरती उतारी थी। आज भी उस खूबसूरत लड़की ने कहा हुआ आई लव यू मुझे सुनाई देता है। आई लव यू राजू। कॉलेज के पहले दिन मुझको मुर्गा बनाया था, मुर्गा। कल अथर्व का पहला दिन है और ऐसा कुछ उसके साथ भी होगा, और हमें वो होने से रोकना होगा क्योंकि जमाना बदल गया है। हमारे साथ जो भी हुआ वो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं हुआ, लेकिन आज वो हो सकता है। अथर्व वो सह नहीं पाएगा। अगर अथर्व कल कॉलेज जाए ही नहीं तो परसों अथर्व का कॉलेज का पहला दिन होगा। मेरे पास
इस प्रॉब्लम का एक एक सलूशन है। क्या? देख, मैं तुझे बोलूंगी, फिर तू सबको बोलेगा। अरे दीदी प्लीज बताओ ना, मैं किसी को नहीं बोलूंगा प्लीज। वेल, तुझे सरप्राइज देने के लिए प्लान पक रहा है। हाँ, क्या बात कर रहे हो? अच्छा गिफ्ट क्या है? सरप्राइज है। अरे दीदी सरप्राइज है पर क्या है ये तो बताओ। सरप्राइज जाने की मैंने भी बहुत कोशिश की पर जानकर मैं खुद सरप्राइज हो गई, क्योंकि तुझे सरप्राइज देने के चक्कर में वो इतने सरप्राइज हो गए कि उन्हें भी पता है कि ये सरप्राइज। अरे दीदी प्लीज सस्पेंस और सरप्राइज मत करो मुझे, प्लीज बताओ ना। तुझे पता है कि मैं तुझसे कुछ छुपा नहीं सकती, बट यू नो व्हाट, उन्हें भी पता है कि मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। तो बताओगे कैसे? वही तो, और बताकर मुझे भी क्या फायदा। अरे दीदी आपको क्या चाहिए, प्लीज बताओ ना मुझे, प्लीज बताओ सरप्राइज प्लीज। बट मैंने उन्हें वचन दिया है कि इस कान की खबर इस कान को नहीं होगी। अरे पर आप कान से थोड़ी बोलने वाले हो, मुंह से बोलोगे ना, प्लीज बताओ ना प्लीज। नो 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 नो, ये नमक हराम होगा। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, दम शराज, आप बताओगे भी और नहीं भी बताओगे, ऐसा होगा। वेल ठीक है, ओके। मेरा कॉलेज, हाँ कॉलेज का फर्स्ट डे, ओके, गेट पर अंदर जाऊंगा, पीछे देखूंगा, पूरा परिवार मुझे ढूंढने आएगा कॉलेज के गेट पे पहले दिन। You're so lucky! दीदी प्लीज मैं लकी नहीं हूँ, ये बुरा सपना है मेरे लिए। मैंने कुछ नहीं बताया। हाँ अरे पर अगर ये बात सच हुई ना तो फिर पूरा साल मेरे फ्रेंड्स मुझे बताते रहेंगे। क्या? जो मुझे पूरे साउंड पूरे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ दिखाई दे रहा है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.